एशियन पेंट एक पेंट कंपनी कम और आईटी कंपनी ज्यादा है। एशियन पेंट से पहले सारी कंपनी अपने पेंट को डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सप्लाई करती थी, लेकिन बाद में एशियन पेंट इन मिडलमैन को हटाकर डायरेक्टली रिटेलर्स को पेंट सप्लाई करने लगे, जिससे पेंट की कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज्यादा होता था। लेकिन रिटेलर्स के पास स्टॉक रखने के लिए बड़ी शॉप नहीं थी, तो एशियन पेंट्स के फाउंडर चंपकलाल चौकसी ने इसका सोल्यूशन निकाला कि सारे रिटेलर्स को डिमांड के हिसाब से हर 4 घंटे में पेंट्स का स्टॉक डिलीवर होगा। ऐसे टोटल 70,000 रिटेलर्स थे, मतलब 3 लाख डिलीवरीज पर डे। लेकिन इसके लिए किस कलर की किस क्वांटिटी में और किस साइज में चाहिए ये पता होना भी बहुत जरूरी था। तो 1970s में चंपकलाल ने इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर लाया, जिसमें सारा सेल्स का डेटा ऐड करने के बाद ये सुपर कंप्यूटर 90% एक्यूरेसी से ये प्रेडिक्ट करता था कि 5 तारीख को पुणे के कौन से एरिया में कौन से टाइप का कौन सा कलर कितनी क्वांटिटी में सप्लाई करना है। पिछले 50 सालों से एशियन पेंट्स इस सुपर कंप्यूटर को यूज कर रहा है, जिससे हर साल 22% से कंपनी की ग्रोथ हो रही है। सुपर कंप्यूटर्स की तरह और सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करो।